किसी ब्रह्मांडी पिंड जैसे पृथ्वी से दूर जो शून्य होता है उसे अंतरिक्ष से आउटर स्पेस कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार अंतरिक्ष में धरती के वायुमंडल को भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हिंदी अर्थ में प्राय वायुमंडल को शामिल नहीं किया जाता। वास्तव में अंतरिक्ष इतना बड़ा है कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ब्रह्मांड संपूर्ण समय और अंतरिक्ष और इसकी अंतर्वस्तु को कहते हैं। ब्रह्मांड में सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सियाँ, खगोलीय पिंड, गैलेक्सियों के बीच के अंतरिक्ष की अंतर्वस्तु, अपरमाणविक कण और सारा पदार्थ और सारी ऊर्जा शामिल है। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड का व्यास वर्तमान में लगभग 28 अरब परसेक है। पूरे ब्रह्मांड का व्यास अज्ञात है, हो सकता है कि यह अनंत हो। खगोल विज्ञान के अनुसार अंतरिक्ष एक विशाल थ्री डायमेंशनल क्षेत्र है जो पृथ्वी के वायुमंडल की समाप्ति की सीमा से प्रारंभ होता है। अंतरिक्ष उस ऊंचाई से शुरू होता है जिस ऊंचाई से कोई उपग्रह पृथ्वी के वातावरण में बिना गिरे उचित समय तक अपनी कक्षा बनाए रख सके। संस्कृत और कई अन्य भाषाएं में हमारी गैलेक्सी को आकाशगंगा कहते हैं, जिसमें हम रहते हैं। धरती जहां पर हम रहते हैं और इससे ही मिलते जुलते एक और ग्रह है जिसका नाम है मंगल ग्रह, जिस पर अभी वैज्ञानिकों की खोज चल रही है। यहां पर हवा और पानी की खोज हो चुकी है और वैज्ञानिकों का कहना है कि यह हमारा भविष्य का ग्रह बनने वाला है। धरती अंत होने के बाद हम वहीं पर जाने वाले हैं। पुराणों में आकाश गंगा और पृथ्वी पर स्थित गंगा नदी को एक दूसरे का जोड़ा माना जाता था और दोनों को पवित्र भी माना जाता था। प्राचीन हिंदू धार्मिक ग्रंथों में आकाश गंगा को क्षीर यानी दूध बुलाया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी कई सभ्यताओं को आकाश गंगा दूधिया लगी। गैलेक्सी शब्द का मूल यूनानी भाषा का गाला शब्द है जिसका अर्थ भी दूध ही होता है। फारसी संस्कृत की ही तरह एक हिंद ईरानी भाषा है, इसीलिए उसका दूध के लिए शब्द संस्कृत के क्षीर से मिलता जुलता सजातीय शब्द सीर है और आकाश गंगा को राहे सीरी बुलाया जाता है। अंग्रेजी में आकाश गंगा को मिल्की वे बुलाया जाता है, जिसका अर्थ भी दूध का मार्ग ही होता है। आकाश गंगा या क्षीर मार्ग उस आकाश गंगा गैलेक्सी का नाम है जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है। आकाश गंगा आकृति में एक स्पाइरल गैलेक्सी है जिसका एक बड़ा केंद्र है और उससे निकलती हुई कई वक्र भुजाएं हैं। हमारा सौरमंडल इसकी शिकारी हंस भुजा पर स्थित है। क्षीर मार्ग में 100 अरब से लेकर 400 अरब के बीच के तारे हैं और अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 50 अरब ग्रह होने की संभावना है, जिनमें से 50 करोड़ अपने तारे से जीवन योग्य तापमान की दूरी पर हैं। सन 2011 में होने वाले एक सर्वेक्षण में यह संभावना पाई गई कि इस अनुमान से अधिक ग्रह हों। इस अध्ययन के अनुसार क्षीर मार्ग में तारों की संख्या से 2 गुने ग्रह हो सकते हैं। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा के बाहरी इलाकों में स्थित है और उसके केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। इसे एक पूरी परिक्रमा करने में लगभग 22.5 से लेकर 25 करोड़ वर्ष लग सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।